सीमा हैदर जिस वक्त वो अपने लिए एक घर बना रही है, अपने लिए मोहब्बत का एक संसार बसा रही है, उसी वक्त उसके लिए एक फांसी की मांग हुई है। फांसी की मांग क्यों हुई है और किसने की है, इस पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का चकल्लस, और चकल्लस में बहुत दिनों के बाद पूरी टीम एक बार फिर फॉर्म में है। और सबसे पहले हम चलते हैं रोहित जी के पास कि आखिर ये खबर कहां से आई है, सीमा हैदर के लिए फांसी कौन मांग रहा है? देखिए, अभी तक जो एक्चुअली क्या है, बहुत सारे चैनल जो हैं सीमा हैदर को कवर कर रहे हैं, तो ऐसी एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है जिसमें गुलाम हैदर से बातचीत हुई है। सीमा हैदर के जो पति है, सीमा पूर्व पति कहती है, गुलाम कहता है कि मैं अभी भी हूँ, तो उस इंटरव्यू में बातचीत हुई, सीमा हैदर को लेकर बातचीत हुई, बच्चों को लेकर बातचीत हुई, आप क्या करने वाले हैं अपने बच्चों को हासिल करने के लिए, सारी बातचीत हुई। तब उसमें गुलाम हैदर इतना गुस्सा गया, उसने मतलब सीमा को लेकर इतनी नाराज़गी जाहिर की, तो ये गुलाम हैदर ने कहा कि बच्चे तो मैं अपने लेकर रहूँगा क्योंकि मैं लीगली मूव कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ गुलाम हैदर ने ये भी कहा कि अब मैं मांग करता हूँ कि सीमा को फांसी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि सीमा को फांसी हो, और मैं हिंदुस्तान सरकार से भी मांग करता हूँ सीमा को फांसी होनी चाहिए। तो ये नाराज़गी है, गुस्सा जो गुलाम हैदर का है वो निकल कर अब सामने आ रहा है। सीमा हैदर के खिलाफ ये गुलाम हैदर का गुस्सा है या उसका असली रंग है, आज सवाल यही है। एक प्रेमी जो ये कल तक ये कह रहा था कि मैं सीमा हैदर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। एक करेक्शन है जी, प्रेमी नहीं पति, उसके नजरिए से भी हमको सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, पति भी अगर प्रेम ना करे तो फिर इस जिंदगी में क्या मतलब है। वो तो ये दावा कर रहा है क्योंकि उसके साथ भी उसकी शादी हुई थी जिस वक्त वो सीमा हैदर के पहले उसकी एक जिंदगी थी, लेकिन उस दोनों ने प्रेम किया और कहा जाता है कि पिता की मर्जी के विरुद्ध सीमा ने शादी की थी। इसलिए जब मैं पति कह रहा हूँ और प्रेमी कह रहा हूँ तो उसमें दोनों शब्द मिले हुए हैं। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ महिला ब्रिगेड हैं और अनन्या बहुत दिनों के बाद आई हैं। अनन्या, क्या आप ये मानती हैं कि गुलाम हैदर की ये जो मांग है, मौत वाली मांग, वो उसके एक नफरत को दिखाती है, वो इसका असली रंग है? मुझे लगता है कि असली रंग है, और बहुत टाइम बाद सीमा जो लगातार गुलाम हैदर को लेकर बोलती रही है कि गुलाम हैदर बात नहीं करता या कुछ भी उसके साथ बदतमीजी या जो भी घरेलू झगड़े उनके बीच होते रहे, वो एक पॉइंट कहीं ना कहीं इससे प्रूफ हो रहा है कि अब भाई गुलाम हैदर का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया। और कुछ दिन पहले ही उसने बोला है कि अब मैं तीसरी शादी भी करने वाला हूँ, ये भी गुलाम हैदर की तरफ से कहा गया। तो 3 महीने तक जो चीज़ें चलती रहीं वो बोलता रहा कि भाई सीमा यहाँ पर आ जाएगी तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, या सीमा जैसी भी अब ठीक है सब कुछ, तो उससे साफ दिख रहा है कि वो अब जो नफरत है, और शायद हो सकता है कि गुलाम हैदर का सीमा को लेकर यही नेचर हो तभी उसकी तरफ से ये स्टेप उठाया गया। अब इस कंडीशन में तो मुझे सीमा, ठीक है उसने गलत किया, इस बात को मैं मानती हूँ कि गुलाम हैदर को लेकर उसने एकदम गलत किया, ये नहीं वो स्टेप उठा सकती थी, लेकिन गुलाम हैदर आप किसी के लिए फांसी की सजा की मांग नहीं कर सकते ना। जिसके साथ आपने कुछ वक्त गुजारा हो, जिसके साथ आपके 4-4 बच्चे हों, उसके लिए आप मौत जब मांगते हैं तो आपकी शख्सियत पर सवाल उठते हैं। नहीं नहीं, हम थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा आपको, हम मैं जो फांसी की मांग है मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल भी। गुलाम भाई हमारे साथ, गुलाम हैदर जुड़ चुके हैं। मुझे बताइए क्या आप सीमा के लिए क्या मांग करते हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं वहाँ बैठ कर? वकील क्या कर रहे हैं आपके? वकील से आप लोग पूछ सकते हो, वकील के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर सीमा जो गलत तरीके से आया है उसको कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और छोटे बच्चे हैं जो मासूम हैं उनको वापस किया जाए। भारत सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जो बच्चे हैं मासूम हैं छोटे, उनको कौन सा गुनाह किया, उनको तो वापस प्लीज भेजे ना। गुलाम भाई आप पहले कहते थे मुझे सीमा भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, अब आप कह रहे हैं सीमा को फांसी दे दो, ये क्या बात है? सीमा ने कौन सा अच्छा काम किया है क्या? सीमा चाहिए क्या? सीमा को इधर हम फूल और हार पहनाएंगे क्या? लेकिन ठीक, हम नहीं कह रहे कि सीमा ने अच्छा काम किया, गुलाम भाई हम नहीं कह रहे सीमा ने अच्छा काम किया, लेकिन हर एक चीज की एक सजा होती है ना, हर एक चीज की अलग अलग सजा होती है, चोरी के लिए किसी को फांसी थोड़ी ना दे देंगे, तो हर एक चीज की अलग सजा है। आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर ज्यादती कर रहे हैं? आप देखिए, आपके साथ पूरा हमारा एक मानवता के तौर पर आपके साथ सपोर्ट है क्योंकि आप एक पिता हैं, उस पिता के तौर पर हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप अगर फांसी की मांग करेंगे तो ये मुझे लगता है आपके अगेंस्ट में जाएगा। हर गुनाह की एक सज़ा होती है और वो अलग होती है, आपको नहीं लगता आप ये ज़्यादा कह रहे हैं? ये वो हमारे पाकिस्तान सरकार जो भी सजा होगा पाकिस्तान सरकार उसको देगा जरूर। वो एक क्रिमिनल है, गैर तरीके से गया, मेरे 4 बच्चों को लेके गया, मेरा घर बेच के चला गया, बच्चों को बगैर बताए बाप के लेकर गया, क्या ये इसका सजा नहीं होनी चाहिए? गुलाम जी,
जो जिधर जाए बस चला जाए, सबको माफ किया जाएगा। सीमा तो अभी उधर बैठ के हंस रहा है, सजन के साथ क्या सजन मुलवज नहीं है, सजन को माफ किया जाएगा, सजन के बाप को, सजन के परिवार को हम बस ऐसे चुप बैठेंगे। यार आप भी एक इंसानियत नाते सोचो, क्या सजन ने अच्छा काम किया है? हम तो इसको सपोर्ट ही नहीं करते हैं गुलाम भाई, हम इस काम को सपोर्ट करते हैं, डे वन से इस बात को सपोर्ट नहीं करते। हम तो कह रहे हैं कि आप हम तो कह रहे हैं कि आप लीगली मूव करिए ना। आप तो शायद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से भी बात कर रहे हैं। हरकत करके उनको पढ़ाया जा रहा है, उनका क्या वकीलों का ये काम है भारत में? भारत के वकीलों का ये काम? पाकिस्तान में वकील नहीं है क्या? बेशूर लोग हैं, पाकिस्तान में वकील है कि नहीं है? अच्छा गुलाम भाई, सिर्फ औरतों का बस आगे पीछे करें, ऐसा भारत में ऐसा कानून है? अच्छा गुलाम भाई, ऐसा कानून नहीं है। नहीं, आप नाराज नहीं होइए, बेगरत वकील है, बेगरत है, इसको है ना, जो मेरे साथ इतने बच्चों के साथ ये कर रहे हैं ना, ये भी कैफी किरदार तक ये वकील है, पी सिंह बेगरत भी पहुँचेगा, वकील के नाम पे दब्बा है काला कोट पहन के ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप इस तरह की भाषा मत बोलिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं की बात कर रहे हैं, उसको भी धमका रहे हैं। एक महिला है, पता नहीं क्या मनीष ठाकुर है क्या है उसका नाम, उसको भी इसने अदालत में घसीटा बेगरत ने, ऐसा वकील है। आप जानते हैं मिथिलेश नाम है, मिथिलेश भाटी नाम है, जानते हैं आप मिथिलेश भाटी को? जी बिल्कुल, वो एक गैरतमंद है, भाई जो हिंदुस्तान ही है, अच्छा अपना मैसेज दे रहे आने वाले लोगों को, क्या आप जो है ना? अच्छा सुनिए, ठीक है बात सुनिए, आप मुझे बताइए कि देखिए अब बात ऐसे करने से तो होगा नहीं, आपको अगर इस चीज में आगे बढ़ना है तो आपको भी पता है कि आपको लीगली मूव करना पड़ेगा, क्योंकि दो देशों के बीच का मामला है ये, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आपने सरकार से इल्तिजा की अपनी, आप कह रहे हैं कि वकील कोई केस लड़ रहा है, क्या क्या तैयारी है? हिंदुस्तान आ रहे हैं आप ये बताइए पहले। जी बिल्कुल आ रहे हैं, थोड़ा सा ये हम नहीं बता सकते अभी, थोड़ा मसला है, वो हल हो जाएंगे बहुत जल्दी, मैं जो है ना अपडेट दूंगा, खुशखबरी है बिल्कुल। अच्छा, जो है ना जो आपके वकील साहब हैं सजन के गिरेबान पे हाथ पकड़ने वाले हैं, इनको तो ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो इधर ये बैठ के भारत में बच्चे लेके जाएगा, ये मेरे बच्चे या सजन के बाप के बच्चे हैं। अच्छा ठीक, ये बताइए जो आपके वकील हैं, मेरा घर से बच्चे लेकर गया, आप उनको उधर प्रमोट कर रहे हैं, ये प्यार है, प्यार का मामला है। नहीं हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सुनिए हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कभी बोलते हैं भारत जिंदाबाद, कभी बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को, ना हम इशारे लगवाना चाहिए, नहीं आप अच्छा आप औरत के पीछे पड़ा हुआ है, आप ये बताइए गुलाम जी, आप ये बताइए कि आप नहीं 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 आप ये बताइए कि नहीं नहीं तो वो तो लीगली पकड़ेगी ना, आप भी वकील कर रहे हैं, इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान है, भारत में मैं जोर अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे प्लीज, ये शैतान औरत है, घटिया औरत है, अपने बाप का नहीं हुआ, अपने मुल्क का नहीं हुआ, वो क्या हिंदुस्तान का होगा? ये हिंदुस्तान को रहने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है ऐसा? गुलाम भाई एक सवाल आ रहा है, ये कानून तक पहुंचाना, ठीक है एक सवाल आ रहा है, एक सवाल और अनन्या पूछेंगे। लेकिन गुलाम हैदर जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई सीमा ने आपके साथ गलत किया है, इस बात को हम लोग भी मानते हैं और हम इस बात को लगातार कह रहे हैं कि सीमा ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन आप सीमा के लिए फांसी की जो सज़ा की मांग कर रहे हैं वो किस हद तक ठीक है? आपको नहीं लगता आपको ये लड़ाई कानूनी रूप से लड़नी चाहिए? आप कह रहे हैं कि ठीक है मेरा घर बेच दिया, पैसे ले लिया, तो ये आप कानून के थ्रू आइए ना, आएंगे भारत के कानून से इजाजत लेंगे, बिल्कुल जो इसको कलम लगने चाहिए वो लगाएंगे, कभी भी मैं अभी सीमा का साथ नहीं दूंगा, जितना हो सकेगा ना मैं उसको जितना हो सके उसको जेल में रखूंगा और उसको सजा दूंगा, ताकि आने वाले लोगों को मैसेज हो के जो गलत करते हैं उसको सजा होनी चाहिए, उसका कोई प्रमोट नहीं करे, हर हाल में सीमा ये खुश ना हो कि मैं भारत में बैठूंगा, भारत में भी उसको सजा होगी, पाकिस्तान में भी होगी, इसकी आधी जिंदगी पूरी जेल। गुलाम जी पता चलेगा इसको गुलाम जी, ये जो आप मांग कर रहे हैं फांसी की मांग जो आप कर रहे हैं, क्या यही बर्ताव आपका सीमा ने देखा है जिसकी वजह से आज वो भारत में है?
यही रवैया आपका अपनी नहीं ये रवैया यही बर्ताव आपका असल जिंदगी में भी सीमा के साथ रहा है। बच्चों के लिए काम और मेहनत और मजदूरी करने के लिए आज जो वो कर रहा है वो ठीक है। आज नहीं तो कॉलेज को अकल आएगी। आप जो कह रहे हैं कि अकल की बात कर रहे हैं आप बताइए कि आपका कहाँ अकल काम कर रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि उनको फांसी होना चाहिए, सीमा को फांसी होना चाहिए, तो आप फांसी के बारे में बोल रहे हो तो क्या आप अपने चार बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं? आप चार बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं? फिर अगर आप बच्चों के बारे में सोचते तो ये मांग ही नहीं करते। गुलाम जी, जैसे कि आपका दर्द दुख जो है वो बिल्कुल सही है, आप एक पिता के नाते सोच रहे हैं अपने बच्चों के बारे में कि कल को वो कहीं और जाती है तो आपके बच्चे का क्या दर दर भटकेंगे, पर आप ये सोचिए कि जैसे बच्चे अपने पिता के बिना नहीं रह सकते तो वो अपनी माँ के बिना भी नहीं रह सकते। आप धोखाधड़ी का केस लगा सकते हैं, फ्रॉड का लगा सकते हैं, बट आप फांसी की सजा डायरेक्ट कैसे ऐसे बोल सकते हैं? वो तो शायद बच्चे बता पाएंगे कि वो कैसी माँ है या कैसा उनका अपने बच्चों के साथ बर्ताव है। गुलाम सर ये बताइए, नहीं देखिए मेरे बच्चों को इसने इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में घुस गया है ना। वो सिर्फ आपके बच्चे, एक मिनट, आप बोल रहे हो कि मेरे बच्चों का इस्तेमाल किया, ये बच्चे तो उनके भी है ना गुलाम जी, ये बच्चे तो उनके भी हैं। इस्तेमाल किया सीमा ने, ये बच्चे सिर्फ आपके नहीं, ये बच्चे तो सीमा जी के भी हैं। सीमा जी ने हक खो दिया, सीमा भारत में घुसने के लिए, सीमा के साथ तो उनके चारों बच्चे यहाँ भी खुश हैं, सीमा के चारों बच्चे जो हैं यहाँ भी खुश हैं। भारत में घुसने के लिए अकेला नहीं आ सकता था कभी भी, बच्चों का सहारा उसने लिया। आप क्यों नहीं समझते हो, बच्चों का उसने सहारा लिया। आप एक चीज बताइए, वो बच्चों को तो लेके चली गई, लेकिन आपका अगला एक्शन जो होगा वो कितनी जल्दी होगा? ये क्योंकि हम काफी टाइम से सुन रहे हैं कि आप आओगे, आप अब तक कोई ऐसा जरूर आएंगे और हम अभी नहीं बता सकते, कुछ ऐसी बातें हैं, हाँ। मीडिया में जरूर बाद में शेयर करेंगे, जरूर इंशाल्लाह। अच्छा गुलाम भाई, जैसा आप ये कह रहे हैं कि एपी सिंह जी पर आप सवाल उठा रहे हैं, उनके करेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, एपी सिंह को आपको पता है कि एपी सिंह को सीमा हैदर ने राखी भेजी है, सीमा हैदर ने एपी सिंह को राखी भेजी है, आप उनको हाथ पकड़कर और करेक्टर पर सवाल कर रहे हैं। सीमा ने तो किस को राखी भेजी, एक एपी सिंह को तो नहीं भेजी, आप बताओ तो सही, इसको कौन पढ़ा रहा है, कौन समझा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, हमें भी पता चल रहा है, आप लोग तो हमसे ज्यादा समझ सकते हो कि ये किसका चाल हो सकता है। एपी सिंह पूरा फंस चुका है, केस हार चुका है, वो एक मेंटल है, समझा ना, वकील का काम ये नहीं है कि तुम उसको बताओ ऐसा करो तो आपको राहत मिला जाएगा, आप कभी मोदी सरकार का नारा लगाओ, कभी योगी सरकार का नारा लगाओ, सिर्फ रहने के लिए, सिर्फ ये बोलता है कि मुझे इजाजत दी जाए। लोग समझ चुके हैं, तालीमे याफ्ता है, बेवकूफ नहीं है, इसकी बातों में नहीं आएंगे कभी भी, भाई जो गैरतमंद लोग हैं उनको पता है असल क्या है गलत क्या है, जो ये घिनौना हरकत कर रहे हैं ना लोगों को, भारत के लोगों को, बहन बेटियों को, सबको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं गुलाम जी, आप ये बताइए कि ये आप बार बार कानूनी लड़ाई की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि मैं 3 साल तक उसको इतनी मोहब्बत किया, आज कह रहे हैं कि नहीं उसको मार दो, जान उसकी ले लो, ये तो किया है तो मेरी घरवाली था, जो घिनौना हरकत करेगा ना उसको सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को मैसेज चले जो गलत है तो वो गलत है। क्या सीमा ने अच्छा काम किया? नहीं किया ना, हाँ, अपना घर छोड़ा, माँ बाप का कब्र को नहीं देखा, हाँ, अपना मुल्क नहीं देखा। मुझे 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 एक चीज बताइए, क्या आपकी और सीमा की लव मैरिज हुई थी? जी जी बिल्कुल, लव मैरिज हुई थी सीमा से मेरी। कितने साल के गाने इधर के गाना था, इसी ने मेरे साथ भी यही गाने गाए थे, जीने मरने का कसम खाया था बेशरम औरत ने, आज मेरे बच्चों को लेके गया, मेरा घर लेके गया, इसको थोड़ा सा शर्म नहीं आ रहा है, ये सोच रहा है कि हैदर क्या करेगा, हैदर जो करेगा उसके सोच से भी बाहर है। नहीं लेकिन क्या मिल रहा है, पूरी दुनिया को पता चलेगा थोड़े दिनों में। गुलाम हैदर साहब, आपने जब सीमा से प्रेम किया उस समय आप भी तो शादीशुदा थे?
मैं शादीशुदा था, मैंने सीमा को बताया था कि मेरे गले में मत पड़ो, मैं एक बाप हूँ, दो बच्चे का बाप हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, बोलता मैं आपको मारूंगी। आपने मार के डर से प्यार कर लिया? कल मेरे से फिल्म किया, आज सजल से फिल्म किया, कल आईपी सिंह से करेगा, परसों किसी और के साथ करेगा, क्या मैं बच्चे इसके हाथ में दूंगा? ये जो औरत को मनमानी करता जाए, यार बच्चे मासूम है, छोटे हैं, नाबालिग है, मैं कभी भी इसके हाथ में नहीं दूंगा बच्चों को। आप तो ऐसे बच्चों का ये सोचता लाजम, आप तो ऐसे बात कर रहे हो, आप तो बच्चों से ज्यादा बच्चे बने हुए हो कि मार के डर से आपने प्यार कर लिया। क्या बच्चों के साथ क्या, आप बताओ क्या कह रहे हो, खुल के बात करो ना। मैं बोल रहा हूँ गुलाम साहब, आप कह रहे हो कि सीमा हैदर जबरदस्ती गले पड़ गई, जबरदस्ती मोहब्बत कर ली, जबरदस्ती चार बच्चे हो गए आपके। अभी जो बोल रहे हैं, अभी 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 जो बोल रहे हैं ये मेरे फिल्म में ऐसे मेरे साथ भी इसने घिनौना हरकत यही किया था, मुझसे शादी करो वरना मैं अपने को मारूंगी, जहर खाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, फिर लव मैरिज किया। मैं नहीं गया था इसके घर में, ये आया था जैकमाबाद में शादी करने के लिए 300 किलोमीटर सफर करके। पूछो तो सही बेगतर शख्स को। आप जानते कैसे थे, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? बहुत सवाल किए हमने, बहुत कड़वे सवाल किए, बहुत कड़वे सवाल किए। आप बताइए कि सीमा को आप कह रहे हैं ना शादी हुई, लव मैरिज हुई, तो आप लोग जानते कैसे थे एक दूसरे को? हमारी फोन से बात हुई तकरीबन 2 से 3 महीना बात हुई, फिर हमारी शादी हुई, ये चल के आया था मेरे गांव जैकमाबाद में, मैं नहीं गया खैरपुर या कोट बंगला पे। पूछो तो सही आपका पहले से इधर कोई रिश्तेदार है, आप इनको जानते हो? ये बोलता है मेरे बाप ने शादी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि मुझे एक चीज बताइए, हम आपको अलग सुनते हैं, सीमा को अलग सुनते हैं, हम ये एक कोशिश ये करेंगे कि आपको और सीमा को दोनों को साथ बिठाएं, आप जुड़ेंगे? आप है हिम्मत की आमना सामना हो दोनों का, तैयार हैं इसके लिए? क्यों नहीं जुड़ेंगे, मैं तो क्यों नहीं जुड़ूंगा, जोड़ो तो सही, बेशरम औरत को सामने बिठाओ तो सही, क्यों नहीं आ रहे, आए तो सही, मैं इसको बताऊं, आप उसे टाइम लो, मेरे को भी बताओ कि कल परसों सीमा का इंटरव्यू है, मैं आपसे बैठूंगा, बातचीत करूंगा, तो बताए ना इस घटिया औरत को। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, आप एक चैनल पर हैं गुलाम जी, जो आपका पर्सनल जो भी है, लेकिन उसको हाँ बिल्कुल नहीं नहीं देखिए, अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे काटना पड़ेगा, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे काटना पड़ेगा, नहीं मैं कह रहा हूँ जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना तो मुझे काटना पड़ेगा इसको, नहीं आप गाली देंगे तो मुझे काटना पड़ेगा, आप गाली गलौज करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा गाली किस चीज की है, जो उसने अच्छा काम किया, कौन सा गाली मैंने दिया? अच्छा आप तो लिए बहुत कम नहीं मैंने बोले हैं, जो उसकी बहुत ऐसे जिसने काम किया ना, मैं गाली कोई नहीं दिया मैंने इसको। गुलाम भाई एक सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि सीमा ने जो काम जो 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 किया है उसकी सजा है ना, उसको गाड़ा जाए ना उसको जलाया जाए, उसको फांसी दिया, ये तो तालिबानी टाइप की सजा हो गई ना, पाकिस्तान में भी ऐसा कानून शायद खत्म हो चुका है। क्या बदतर से बदतर सजा होगी, ये दुनिया को एक मैसेज जाएगा जो गलत है, तो जिस औरत ने गलत किया ना उसके साथ भी गलत होना चाहिए। ऐसा होता है जिसको हमने घर का मालकिन बनाया, उसको बादशाहजादी बनाया, आज जाके भारत में बैठ के कौन से गाने गा रहे, क्या बोल रहे मेरे खिलाफ, कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, लोग तो तालियां बजा रहे, शायद जिसके साथ जुल्म हुआ पाकिस्तान में ऐसा होता था। यार असल कैरेक्टर एक का नहीं सुना जाए, दोनों का हक है, आप लोग मीडिया वाले भाई हो ना, मेरा भी सुनो, जितना सीमा की तारीफ कर रहे हो ना उतना हमारी आप लोग बुराई भी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अच्छा पैगाम दो लोगों को, अच्छी बात पहुंचाओ, जो आप लोग सुन सकते हो देख सकते हो, आप लोगों को पूरी दुनिया देख रहे हैं इस टाइम। गुलाम जी आपकी बात हम बार बार पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपसे बात हो रही है, आपने दूसरी शादी की, आपने एक पत्नी के रहते प्रेम किया, आपने गलत नहीं किया और सीमा गलत हो गई, हमारी साथी अनन्या सवाल करेंगे आपसे। और अब गुलाम जी अब खबर ये है और मुझे चुकी है, दो बच्चे हैं ना, सीमा ने बोला मुझे कबूल है, बोलते मुझे कबूल है, सीमा ने खुद कबूल किया, मैं सीमा से सीमा के घर लेकर उसको लेकर नहीं गया था, सीमा खुद चल कर आया था मेरे पास शादी किया, जैकमाबाद कोर्ट में मैंने अदालत की कागजी दिखाई, बोलते कागज भी रद्द है, ये चीज भी गलत है, सिर्फ सीमा सही है, ना अदालत को मानेगा ना कानूनी कागज मानेगा, बोलते जुल्म हो रहा था, अगर सीमा के साथ जुल्म हो रहा था तो वो क्यों FIR नहीं दर्ज करवा रहा था, कराची शहर में रह रहा था, आधा जरे भी नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है पुलिस स्टेशन, जाके खुला का ऑफर करता, हाँ खुला का ऑफर कर सकता था कि नहीं। गुलाम हैदर सीमा सुन लीजिए तलाक लेता, मैं क्यों सीमा के पीछे पड़ता,
से ऐसा कुछ काम नहीं किया। अभी जो भारत में बैठ के जो बोल रहे हैं ना, ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सेम चीज गुलाम हैदर, ये सेम चीज सीमा बोलती है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि वो आपकी वजह से पाकिस्तान में रहे। आप पहले सुन लीजिए, ठीक है, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए। सीमा हैदर भी यही कहती है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि वो आपकी पत्नी बनी रहे और पाकिस्तान में रहे अपने बच्चों के साथ। अब मेरा सवाल ये है कि क्या अब आप तीसरी शादी करने वाले हैं, और वो भी क्या लव मैरिज होने वाली है आपकी? नहीं नहीं, अभी शादी का मैं नहीं कह सकता, अभी बच्चों को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, लोग कुछ भी नहीं। आपने आपका एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें आप कह रहे थे कि आएंगे बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए शादी करूंगा, जो बच्चों को संभालेगा, बच्चों को रखेगा, तब मैं शादी करूंगा। अभी कोई इरादा नहीं है, अभी मकसद है सीमा को कैफी किरदार तक पहुँचाना, मेरा काम है। बच्चे वापस आएंगे लाजम, बच्चों के देखभाल के लिए मैं शादी करूंगा, जो बच्चों को रख सकेगा तब, वैसे कोई इरादा नहीं है। तो बच्चों को लेने आप हिंदुस्तान आएंगे, वीजा मिल गया आपको? जी, वीजा अप्लाई किया है, इंशाल्लाह जरूर होगा। वकील साहब भी इस काम पे लगा हुआ है, जैसे भारत सरकार इजाजत देगा हम लीगल तरीके से आएंगे, केस को प्रमोट करेंगे, और एपी सिंह को भी बताएंगे कि तू जो है ना एक औरत के हाथ को कैसे पकड़ के ऊपर नीचे लेकर जा रहा है, किस कानून के तहत लिखा हुआ है। आप एक वकील हो तो वकील वाला काम बैठ के अदालत में कर सको, आप जो नारे लगवाना, बच्चों को बेवकूफ बनाना, खुफिया मुलाकातें करना, ये क्या कानून इसको इजाजत दे रहा है? एपी सिंह के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं वो किस आधार पर लगा रहे हैं? हाथ पकड़ने की बात कर रहे हैं? कोई आरोप नहीं है, सच बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा क्या, पूरा दुनिया देख रहा है, आरोप नहीं है, ये बात सच बता रहा हूँ। हैदर जी, आप हिंदुस्तान जब आएंगे तो सीमा से आपका आमना सामना होने, जैसे ही सामना सामना होगा, तो किस तरीके से आप मतलब सवाल करने वाले हैं, क्या कुछ पूछने वाले हैं, जैसे आपने रखा है? जी क्या कभी आपके बच्चों, बिल्कुल धन्यवाद गुलाम साहब, आपसे आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे साथ जुड़े और हमने आपको फोन किया, अपनी बात आपने रखी, लेकिन जो आपने शब्द कहे उससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ मैं। आप अपनी बात रखें, शालीनता से रखें। आप कई बार मुझसे जुड़ चुके हैं, मुझसे बात कर चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल। गुलाम भाई, हम दोनों पहलू दिखाते हैं, बातों को मेरे को थोड़ा सा लेकर दूसरे को सामने बिठाते हैं। नहीं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि सीमा जी और आप दोनों एक साथ आए, और आप जो है जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो बात आप उनके सामने कहें, देखते हैं फिर क्या होता है। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चकल्लस में आज आपने देखा गुलाम हैदर साहब साथ में जुड़े और सभी सवाल हम लोगों ने किए। इस चकल्लस के आखिर में रोहित जी, इस बातचीत को लेकर आपकी दो लाइन की टिप्पणी, फाइनल टिप्पणी। देखिए, जो गुस्सा देखा, मुझे लगता है कि वो एक वाजिब गुस्सा है, और ठीक है, मतलब हमको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग किस कल्चर, पाकिस्तान में किस तरह का कल्चर है, यहाँ पर किस तरह का कल्चर है। वो एपी सिंह को लेकर अगर सवाल उठाते हैं तो पाकिस्तान में इतनी छूट नहीं है कल्चर को लेकर। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सब जानते हैं कि भाई बहन हैं, उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें राहुल प्रियंका को किस कर रहे थे, उसको लेकर कितना ट्रोल किया गया। तो ये सब दिमाग की बात है, मानसिकता की बात है, उनको कितनी समझ में आती है, कितनी फ्रीडम वहाँ पर है। जिस माहौल में आप बचपन से पढ़े पले बढ़े हैं, वही माहौल आपके दिमाग में होता है। अब हम इंडियन कल्चर में हैं, हम विदेशों में चले जाएं, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएं वहाँ पर, तो वहाँ का कल्चर को हम देखेंगे, वहाँ पर मिलता है एक दूसरे को किस करने का, ये नॉर्मल कल्चर है, वो हमारे लिए शायद बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे लग रहा है कि वो बातें जो गुलाम ने कही हैं एपी सिंह को लेकर, या जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो एक माइंडसेट है जिसमें वो बचपन से जीते आए हैं। और जहां तक रही फांसी की बात, मैं समर्थन नहीं करता उस चीज़ का, जो गुनाह है उस गुनाह की एक सज़ा होती है, लेकिन हर गुनाह की अजीम सज़ा हो ये ज़रूरी नहीं है। चकल्लस में आज यही हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, कल कुछ और सवालों के साथ मिलेंगे। आप देखते रहिए चकल्लस, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।